सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे आप अगर सिस्टम में ज्वाइन करें तो आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि मुझे दो मिनट दीजिए। आपका एडवांस एक्सेल होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, क्या एक्सेल का कोई फीचर्स है जिसको एडवांस कहा जाए, या आपने जैसे बोला कि वी लुकअप का जिक्र किया, क्या वी लुकअप एडवांस है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी किसी तरह का क्लियरेंस नहीं कर रखा है कि दिस टॉपिक आर बेस, दिस टॉपिक आर एडवांस, या कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस एक्सेल कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने आप सोच सकते हैं कि किसी भी फीचर को बनाने के लिए प्रोग्रामर को कितना लंबा चौड़ा कोडिंग करना पड़ रहा, तो कोई अननेसेसरी चीज को करेक्ट। नहीं ना बनाएगा क्या? डिपेंड हाँ जी करता है सर, हमारी करेक्ट। यूज। अब एग्जाम आपके लिए, इसके लिए आपको दो एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे 20, अब मैं 10 को कॉपी करता हूँ, 20 के ऊपर पेस्ट करता हूँ, 20 10 से रिप्लेस हो गया। हाँ जी, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेस। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या आपको? नहीं, सही आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। ओ यार, मैं पावर भी ओपन हो गया ना सर, पावर पे जब ओपन होता है थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। अभी सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? फोर्स स्टॉप के लिए कंट्रोल ठीक सिर्फ एंटर, टास्क मैनेजर, और यहां जाके उस सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करके एंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। टास्क मैनेजर कहाँ है सर? वो जी जो जी आएगा ओपन हो गए। ठीक हाँ, टास्क है, मैनेजर। ठीक है। चलिए अब ठीक है। तो यहाँ हमने आपके सामने 10 है और यहाँ पे हमने 10 को उठाया और पेस्ट स्पेशल किया। मैंने क्या किया, हमने 10 को इस बार 10 को मैंने ये नहीं किया, मतलब कि डायरेक्ट पेस्ट नहीं किया, मैंने पेस्ट स्पेशल किया। तो पेस्ट स्पेशल में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, बट एक फीचर आता है यहाँ ऑपरेशंस का, जिसपे डिफॉल्ट नन सेलेक्ट होता है, इस पर हमने ऐड सेलेक्ट कर लिया। अब ऐड क्या करेगा, 20 और 10 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा और 30 यहाँ पे पेस्ट कर देगा। कर दिया वो कैसे किया? ठीक राइट? यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने कॉपी किया, है, जहाँ ठीक है। पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखा, राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, राइट? ठीक है, ठीक और यहाँ ऑपरेशन वाले सेक्शन में मैंने मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर, अब 30 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 300 पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? 30 और 3, 3 के बीच में क्यों सर? ये 30 थर्ड और वो है रो है 10, इसकी। 10 बोला मैंने आपको, 10 दोबारा देखिए सर अच्छा, ध्यान से। 30 और 10। ठीक है, ठीक है, समझ गया समझ गया समझ राइट गया। क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल और हमने मल्टीप्लाई किया। तो हमने मल्टीप्लाई कॉपी कहाँ किया है, हमने कॉपी किया 10 पे ना, जी, और पेस्ट 30 कहाँ कर रहा हूँ, 30 पे। तो जहां से कॉपी हुआ है, पे। जहां पे पेस्ट हो रहा है, उसके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्ट जो है पेस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट। 30 और 10 मल्टीप्लाई कर 300 होगा ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 300 पेस्ट हो गया। तो आपने बेसिक से चीज जानी कि पेस्ट स्पेशल करते समय अगर हम ऑपरेशन में कोई कैलकुलेशन सेलेक्ट करते हैं, तो जहां से कॉपी होता है, जहां पेस्ट होता है, उसके बीच में वो कैलकुलेशन होकर रिजल्ट पेस्ट हो जाता करेक्ट। है, राइट? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आखिर इसका यूज क्या करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक तो ये बेसिक हो गई। अब मैं एडवांस एक्सेल क्लास में घुसता हूं कि एडवांस एक्सेल में इस टॉपिक को कैसे पढ़ाऊं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि परसेंटेज लिखने के लिए, जैसे 20% लिखना है तो 20% का सैंपल देके फिर एंटर मारिए, तो यहाँ 20% आएगा, ओके? लेकिन है। अगर आपने 20 टाइप करके एंटर मार दिया, फिर कभी इसको सेलेक्ट करके ऊपर परसेंटेज का सैंपल दिए, तो 2000% हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। अगर आपको ओके बाद में परसेंटेज लगाना है टाइप करते समय नहीं, तो आपकी नंबर होनी चाहिए 0.20। तब इसके ऊपर परसेंटेज लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके 20% कर। ओके, ठीक है इसीलिए अगर मान लीजिए 500 का 20% निकालना है तो हम क्या करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता था, डिवाइड बाय 100 भी होता था ना, हाँ जी हाँ जी लेकिन ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 होता है, सेल में टाइप होते हैं ऑटोमेटिक हो जाता है, तो हमें करने की जरूरत नहीं और रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल गया। अब एक प्रॉब्लम थे कि हमारे एक कलिक थे, मुझे एक डेटा भेजते थे, डेटा का हेडिंग दे देते थे, अब मैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे रैंडम डेटा के लिए, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये आगे मैं बताऊंगा क्या ठीक है। है तो मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे रैंड बिटवीन की मदद से बना लिया रैंडमली। अब हमारे जो कलीग थे उन्होंने भेजा तो मुझे क्या है ना, डेटा उनके हिसाब से डेटा परसेंटेज में 43%, 45%, 44%, 61%। ओके, ओके बट एक्चुअल में क्या है, ये 43 नंबर है, मैं इसको परसेंटेज करूंगा तो क्या होगा, 43,000% हो जाएगा, 300 सॉरी, मतलब कि मुझे 500 का अगर 43% निकालना है, तो 43 अगर परसेंट में होगा तो हम यहाँ पे परसेंट में होगा तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, लेकिन 43 नंबर में हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, गलत आएगा ना सर, हाँ जी ठीक फिर मुझे अपने फॉर्मूला को डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आएगा, समझे। तो हम यहाँ पे अपने फॉर्मूला को चेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मैं जहां इसको कॉपी करना, कॉपी करके जहां इसको यूज करना है मुझे अपने रिपोर्ट में, वहां पे मुझे तो परसेंटेज ही चाहिए, तो मुझे यहीं पे परसेंटेज कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, पहला एक एक सेल पे जाऊं, परसेंटेज पे क्लिक करूं, क्लिक करूं परसेंटेज पे इस तरह से, क्योंकि आपके पास अगर 10-20 हज़ार रो हो तो ये तो एक आध हफ्ते के काम बाहर जाएगी। नहीं फिर तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट करके एरो कर सकते हैं ना नीचे सब अलग अलग है ना फॉर्मेट, ये नहीं एको बट करेंगे स्टिल तो अगर बाकी हम सब इसे 33% हो जाएगा ना, हाँ ऐसे जैसे हमने कर दिया देन नहीं हम हम यहां अगर पे कर परसेंटेज दिया लगाए आपने, अब इसको नीचे की तरफ बोलते ड्रैग कर दे, कर दीजिए सेम वैल्यू आ जाएगी ना, ये फॉर्मूला थोड़ी है, ये फॉर्मूला नहीं थोड़ी है जो ड्रैग कर दीजिएगा, हम एक एक जाके ओके मैनुअली यहाँ पे कर रहे हैं ना, हाँ जी तो एक एक करने पे ड्रैग करने, अब वन बाय वन करना पड़ेगा ना जाके आप, ताकि वैल्यू चेंज ना हो, हर किसी का अलग अलग वैल्यू है ना आपका। नहीं सर अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट करके एरो दबाते हैं वो हो जाएगा उसके बाद हम जो अपना इसमें आ रहा है परसेंटेज का जनरल के नीचे हाँ तो तो वो वही तो प्रेस करेंगे तो नहीं आएगा हाँ मैं जी आपको मैंने वही समझाया ना, आप यहाँ पे क्या समझाया, हमने क्या समझाया आपको कि अगर आप 20 डाल 20, देखिए आपको अगर 20% लिखना है तो 20% का सिंबल टाइप करके एंटर मार, ठीक है, अगर जी आपने 20 टाइप करके एंटर मार दिया, जैसे कि आप 43 टाइप करके एंटर मार दिया, अब इसके ऊपर हम परसेंटेज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 2,000 रुपीज होना क्या 2,000%। अगर आपको यस बाद में परसेंटेज लगाना है तो आपका इस तरह होना चाहिए, टू जीरो थ्री पॉइंट टू 0.20 इस तरह से होना चाहिए, तब परसेंटेज होगा, समझे कि नहीं। तो 40 मेरे पास दो अगर तरीके, हमने एक तो मैं 43% कर दूं इस तरह से, या फिर मैं इसको 0.43 कर, 4-3 ठीक यहाँ पे 0.442, यहाँ 0. सॉरी 0.42, फिर 0.35, अगर मुझे ऐसे समझना है तो इसमें परसेंटेज कैसे लगेगी सर मतलब मैं कैसे जानूंगा कि परसेंटेज लगी हुई है फॉर एग्जांपल यहाँ कि इसमें मैं हेडिंग आ गई नहीं समझे, बिल्कुल नहीं सम बात आप बात स्टोरी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए मुझे एक कलीग ने मुझे डेटा भेजा, डेटा में हेडिंग उन्होंने डाल दिया परसेंटेज का, किसी और जी शीट पे, मान इधर यहाँ नहीं किसी और शीट पे ले आते, उन्होंने मुझे मेल कर दिया, मैंने बोला कि मेरे आप मुझे जो है ना ये भेज दीजिए पर डे के जो हमारे अचीवमेंट परसेंटेज वो भेज दीजिए, कि हमने आज कितना परसेंट टारगेट अचीव किया। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे डेटा बनाया और यहाँ उन्होंने
यहाँ पे मान लीजिए मंडे से फ्राइडे का पूरे वीक का मुझे उन्होंने डेटा बना के मुझे भेज दिया फ्राइडे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि उनको परसेंटेज में लिखना चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया कि नंबर, हो सकता है उनका डेटा नंबर में देता हो, कई फॉर्म में लिख नंबर में देते हैं जैसे वेबसाइट वगैरह पे जो होते हैं, और नंबर दे दिया उन्होंने, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे हेडिंग डाल दिया कि चेंज इन परसेंटेज यहाँ पे यह डाल दिया कि वैल्यू इन परसेंटेज होता है ना, बोल रहे हैं बहुत ज्यादा देखते हैं कि हाँ यहाँ पे अमाउंट है, तो यहाँ पे डाल देते हैं कि अमाउंट इन थाउजेंड, मैं 25 में करेक्ट। यहाँ पे, इसका मतलब 25 नहीं है वो, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अमाउंट उन्होंने यहाँ पे इस तरह से कुछ अमाउंट मुझे डाल दी है, तो बहुत ठीक सारे है जगहों पे अब यहाँ पे देखते हैं अमाउंट ब्रैकेट में डाल देते हैं, अमाउंट यहाँ पे रुपीज इक्वल टू। हाँ इन जी हाँ थाउजेंड, जी हाँ जी होता है ना बहुत जगहों पे देखा होगा। हाँ जी हाँ जी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये 25 दिया गया है, अब मुझे मान लीजिए कि मेरे पास जो है 2,000 रुपये यहाँ पे ऑलरेडी है, मुझे इसको प्लस करना है, तो क्या लग रहा है 27,000 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि परसेंटेज है, लेकिन एक्सेल को तो नहीं पता है कि भाई 1,000 में है ये परसेंटेज में है क्या, सही बात है, ऊपर लिख दिया है तो जस्ट रुपीज इन जी थाउजेंड। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, तो इसके मैं दो तरीके हैं कि मैं मैनुअली 25,000 लिखता जाऊं इस तरह से, या फिर मैनुअली मैं 0.88 करूं या 84% करूं, इन दोनों में काफी टाइम लगने वाला है, तो यहां पे मैं अपना प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए जो मैंने बताया था ना 10 और 20 पेस्ट स्पेशल वो अपनाऊंगा। मैंने 100 को लिख दिया एक अलग सेल पे, कॉपी किया और ठीक है सबको मैंने क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, एक बार कॉपी करके पेस्ट स्पेशल, और मैंने क्या कर दिया डिवाइड, तो हंड्रेड से हर नंबर जब डिवाइड। हंड्रेड ठीक से है डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 88 को 100 से डिवाइड करो परसेंटेज शो हो 0.88 हो जाएगा जाएगा, तो जी। ये आ गया, अब परसेंटेज में आ गया, सॉरी डेसिमल में आ गया, तो इजीली परसेंटेज डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे। सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे 1,000 ले लिया, 1,000 को कॉपी किया, सबको लेके हमने क्या किया राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे ना, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, हो गया, अब ठीक मैं प्लस है करूंगा तो 27,000 आएगा, समझ गए। हाँ जी सर। एक बार मुझे ये चीज पूछनी थी हाँ दोबारा, अभी जो आपने डेसिमल से परसेंटेज करा वो कैसे किया? डेसिमल था 0.08 आया था, 88 आया था, हाँ, देन वो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट हो सेलेक्ट गया? करके यहां पे क्लिक किया परसेंटेज जो आपने बताया था, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ठीक है आपने कर्सर इतनी जल्दी ऊपर कर दी, मुझे लगा आपने कोई शॉर्टकट की दवाई है। ठीक निकला। तो एडवांस ओके एक्सेल इसको कहते हैं कि किसी भी फीचर को हम ऑफिस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑफिस में होने वाले प्रॉब्लम्स के हिसाब से, उसकी पॉसिबिलिटीज के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप समझे कि हाँ इसका रियल यूज है, और ये सबके यूज है, बहुत सारे स्टूडेंट ने यूज किए, एटलीस्ट मैंने भी बहुत सारे जगहों पे काम किए, जैसे ये आपके सामने दिख रहा है ना कि अमाउंट इन 1,000 में डाले किसी ने भेज दिया मुझे, अब मुझे उस पर कैलकुलेशन जी करनी है, ठीक है, अब मुझे दो दो तरीके, कहीं मल्टीप्लाई रखूं फिर पेस्ट करूं, पेस्ट करने पे मेरा मर्ज सेल है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस केसेस में हमने इसका इस्तेमाल किया था। ओके अब बात करते हैं अपने कोर्स की कि मेरा जो कोर्स है क्या है, ठीक है, ठीक है सर। तो आपने मेरा डिटेल्स कहाँ लिया था, यूट्यूब से लिया था या गूगल से लिया था। गूगल से ओके YouTube पे जाएंगे तो YouTube पे मेरे तकरीबन 10,000 के आसपास वीडियो जो है, ठीक है, और ठीक यहाँ है iptindia.com मेरी साइट है, उस पर मैं दो तरह की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, एक ऑनलाइन क्लासेस है जो कि अभी आप ले रहे हैं, 1-to-1 चलता है, 1 से 3 बच्चों का बैच होता है, मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लास लगभग होती है, 45 मिनट 40 मिनट 1 आवर डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पे और टॉपिक्स पे। ठीक है ठीक दूसरा है आता है वीडियो कोर्स जो कि हमारी
वीडियो फॉर्म में सेव चलती है, होती है। उसको पीसी या मोबाइल दोनों पे वॉच कर सकते हैं, वीडियो होती है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। वीडियो कोर्स की प्राइस थोड़ी कम होती है, उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च कीजिए, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो ऑनलाइन क्लास में चलते हैं हमारी लाइव क्लासेस में। ये वीडियो कोर्स के लिए आपको जो है ना, ये रहा वीडियो कोर्स, ये ऐप डॉट iptindia.com पे वीडियो कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जी ये हमारा एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला का कोर्स है, जिसमें हम एडवांस एक्सेल के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक ओके है। जिसमें पूरी डिटेल में एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस है, दिख रहा है यहाँ पे, एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस है, ये जी 35 से 45 घंटों की होगी, और ये आपको जो है 7500 इसका चार्जेस है। कंप्लीट डिटेल्स आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, पीडीएफ आई थिंक आपको भेजा था मैंने, जी हाँ जी ये दिया था सारी सर। डिटेल्स इसमें है, ठीक है। ठीक है तो ये आप चीजें आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना उतना बजट है, तो आप जो है मेरा रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स में सेम कोर्स आपका 2999 का पड़ता है, लगता है आप बोलते हैं सर उतना भी ओके मेरे पास नहीं सीखना है, मेरे पास ऑफिशियल यूज है। तो अभी आज ही मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है, एक फास्ट ट्रैक कोर्स है, ठीक ओके है। और जस्ट ये 500 का कोर्स है, ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, ओनली फॉर 500। ठीक है इस कोर्स के अंदर में क्या क्या है, इसके कंटेंट पे आइए। इसमें मैंने एक दो वीडियोज डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस कंटेंट में एक ऑफिस के लिए जो चाहिए सारा रखा है, इसमें टोटल जो है आपकी 15 घंटे के आसपास की वीडियो है, जो 15 से 15 घंटे के आसपास की है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें आपको बेसिक्स रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए एक्सेल फॉर्मेटिंग्स है, पिवट टेबल है, ये आपका डैशबोर्ड विद पिवट टेबल है, ये आपका इफ फॉर्मूला कंप्लीट है, यूजफुल फॉर्मूलेज है, वी लुकअप लुकअप कंप्लीट है, देखिए 36 मिनट का। और इसमें ठीक आपका जो है है सम इफ के सारे वीडियोज हैं, उसके बाद इसके अंदर डैशबोर्ड से 5-7 जो है डैशबोर्ड की एग्जांपल है, और इसमें 4 घंटे की हमारी मैंने 3 से 4 घंटे की वीवीए क्लास भी मैंने इसके अंदर मेंशन कर रखी है। ये सारे ठीक है रिकॉर्डेड सर कोर्स जो है, ऐसा नहीं कि मैंने स्पेशली इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, ये आप जैसे किसी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है ना, उसी की एक पूरी सीरीज है सर, ओके 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 ठीक है। ये 2500 का सीरीज हमारा है, और इसमें लाइव क्लास में, लेकिन ये बैच 15-20 बच्चों का बैच है, महीने में 2 बैच होती है सर, ओके सर ठीक है ना। सुबह 8 बजे, सुबह 7 बजे, शाम को 8 बजे, 2 बजे में से टाइमिंग से वो बैच स्टार्ट होती है, इसको फास्ट ट्रैक ओके बैच कहा जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड सेशन जस्ट आपको 500 का पड़ेगा, 5 साल की वैलिडिटी रहेगी, सिस्टम मोबाइल दोनों पे देख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहे, या रिकॉर्डेड एक्सपोर्टेबल की क्लास लेना चाहे, या फिर आप अपने काम भर चीजें जो कि आप मेरे इस फास्ट ट्रैक कोर्स से ले सके, और अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया है, इट मीन्स आप ही पहले रहेंगे स्टूडेंट। डन सर। सुजीत सर एक चीज और पूछनी थी, इनकेस मुझे प्राइवेट टेबल में कुछ दिक्कत आती है तो मैं आपसे कंसर्न कर सकता हूँ क्या व्हाट्सएप के मैसेज थ्रू या किसी के थ्रू? एक चीज और जान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं हर जी किसी को जो भी मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखा है, सबको मैं ऑफर देता हूं कि आप अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाहे टेलीफोनिक सपोर्ट ले सकते हैं। ओके डन लेकिन आप बोलेंगे सर आ जाइए जूम पे आ जाइए, या टीम्स पे आ जाइए, या एनी डेस्क पे आ जाइए, देख लीजिए, ये चीज हम नहीं कर पाएंगे। ओके मुझे जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरे माइंड में। मेरा जैसे मैं एक्चुअली एज एन इवेंट मैनेजर वर्क करता हूँ, तो उसमें क्या होता है सर, हमारी जो इवेंट कंपनी एजेंसीज हैं वो कॉल्स करती हैं हमारे गेस्ट को इनवाइट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास 3-4 एजेंसी हैं, वो अपनी मुझे एक्सेल शीट भेजती हैं कि सर आज हमारे इतने लोग आए थे अटेंड करे, इन्होंने अटेंड करा, इतने रजिस्ट्रेशन हुए। तो मुझे ओवरऑल रजिस्ट्रेशन में से चेक करना होता है कि उनके कितने पीपल हैं। दैट्स माई बिग टास्क, ठीक है। जैसे कि मेरे पास टोटल जो मेरी कंपनी है वो बता देती है कि अवधेश मेरे पास आज टोटल 250 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। और मेरी जो एक दो एजेंसी है, जैसे एक सुजीत कुमार के नाम से हो गई, एक अवधेश के नाम से हो गई, एक राहुल के नाम से हो गई, इन 3 एजेंसी ने मेरे वर्क किया है, ठीक है। देन वर्क करने का तो बताते हैं सर हमारे इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं आज आप उसकी ओवरऑल डेटा चाहते हैं, या उसका रिपोर्ट चाहते हैं कि इतने काउंट इतने काउंट इतने काउंट ऐसा चाहते हैं, या ओवरऑल डेटा चाहते हैं? करेक्ट।
नहीं, ओवरऑल डेटा तो मेरे पास आता ही है, मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता लग जाए कि इस एजेंसी के इतने लोगों ने मेरा इवेंट अटेंड करा है, दैट्स माय पॉइंट। जैसे वो लिस्ट भेजते हैं ना कि हमारे इतने लोग आए हैं, मेरे पास ओवरऑल लिस्ट होती है कितने लोग आए और काउंट कितने लोगों इफ्स ने लगेगा, अटेंड करा उसके है। लिए काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगेगा, काउंट इफ का, काउंट इफ नहीं, काउंट इफ्स, IFS। IFS, अच्छा काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। ओके, उसमें सब कुछ आपके वीडियो में है वो सर? अच्छा हाँ, काउंटिंग की फॉर्मूला है, और उस तरह की रिपोर्ट्स बनाना जो बनाया है वो भी आपको उसमें दिख जाएगा। मैं वही देख रहा हूँ, ये रहा, बीफो का नाम चेंज हो गया। ये मैं दिखाता हूँ, मैं आपको, मैंने वीकली रिपोर्ट बनाई है उसी तरीके से, तो आपको ठीक समझ है, में आ ठीक है, जाएगा। प्लीज। ये आपकी फाइल में है, अभी अपलोड किया है जस्ट। ओके, ठीक है सर, एक कॉल सेंटर का ही डेटा ठीक बनाया है, हमने, तो इसमें यहाँ पे देखिए, ये हमारा डेटा है, डेटा दिख रहा हाँ जी, है, इससे हाँ जी, हाँ बना जी, दिख हुआ रहा है, हमारा करेक्ट। रिपोर्ट, रिपोर्ट दिख रहा है। ओके, हाँ अब जी, जैसे हाँ जी, कि करेक्ट। वीकली है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने वीक सेलेक्ट किया, तो टोटल कॉल्स इस बीच में 252 आए, 117 आंसर हुए, हाँ जी, आंसर का रेट इतना रहा, अवेंडन इतना कॉल हुए, अवेंडन टोटल अवेंडन इतना हुआ, तो इस रेट में हुआ। एवरेज कॉल 2 मिनट की चली हर कॉल, किस किस एजेंट ने ओके, कितना कितना कॉल, टोटल कॉल कितने आए, कितने कॉल का आंसर किया, स्पीड ऑफ आंसरिंग कितने सेकेंड्स का था, ठीक है ना, जी, कॉल्स रिजल्यूशन मतलब जितने कॉल्स आए थे उसमें कितना परसेंट रिजॉल्व हो गया, और पूरे वीक का जो वीक है उसका कॉल्स का रेशियो क्या है, ठीक है। उसके बाद किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने परसेंटेज हमारा ये हुए हैं, अचीव हुए हैं रेटियो रेट कॉल रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे शेयरिंग, किस एजेंट को कितना परसेंट कॉल मिला, कॉल कितने, किस एजेंट बाय कितने कॉल्स आंसर किए गए हैं, स्पीड आंसरिंग किसका है, ठीक है ना सर। करेक्ट। तो ये चीजें हो, तो ये रिपोर्ट हो गया। आप चाहते हैं कि मुझे देखना है तो फिल्टर लगा के देख सकते हैं आप, सिंपली यहाँ फिल्टर लगाइए, देख लीजिए कि मुझे पूछा है कितना नहीं कॉल्स आए हैं। फिल्टर नहीं सर, फिल्टर तो मैंने लगाया। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे 250 लोग हैं, ठीक है, मेरे पास 250 लोगों की लिस्ट है, ठीक है, मेरी तीन एजेंसी वर्क कर रही है, वो कह रही है 70 मेरे हैं, 70 मेरे हैं, 70 मेरे हैं। अब मुझे ये चेक करना है जो उसने 70 भेजे हैं वो उनमें से कितने लोग आए थे, अटेंड किया था, तो वो मुझे जस्ट, मेरा हाँ, वो उसकी डाउट है, डेटा मुझे वो आपके सीखना पास है। है, तो इस तरह डेटा को कंबाइन करके इस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए काउंट इफ का ठीक है फॉर्मूला लगा हुआ सर। दिख रहा है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगा हुआ, काउंट इफ का लगा दिख रहा मोस्टली काउंट इफ यूज है इसमें, क्योंकि काउंट ही है सारा। हाँ जी, काउंट इफ डाटा राउंड एवरेज, ठीक है, तो ठीक है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगता है पूरा, ठीक है सर।